कृषि बिल को लेकर सरकार विपक्ष आमने सामने संसद में है, तो वहीं राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया। तो वहीं हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों के किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले लिया जाए, क्योंकि उन्हें डर सिर्फ एक ही बात का है। दरअसल इन तीनों बिल्स में किसानों को सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि सरकार ने MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र क्यों नहीं किया है। लेकिन सरकार का इस पर क्या पक्ष है और किसी भी किसान के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों बार बार किसान इस डर में है कि इस बिल के जरिए कहीं सरकार उनका सालों पुराना जो उनका हक था वो कहीं वापस ना ले ले? तो इसलिए आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है, दूसरों के साथ भी साझा कीजिए और समझिए कि MSP किसी भी किसान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। MSP का फुल फॉर्म हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य और इसका अर्थ हुआ गारंटीड मूल्य, जो सरकार किसानों की फसल को खरीदती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसानों की खेती बंपर होती है लेकिन वो मार्केट के उतार चढ़ाव के फेर में रह जाते हैं और ऐसे में किसानों को नुकसान हो सकता है। बस उसी नुकसान से बचाने के लिए सरकार उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उनकी खेती यानी कि उनकी फसल को खरीदती है। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर हर फसल की कीमत तय करती है। अगर किसी फसल की बंपर पैदावार हुई तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब MSP उनके लिए फिक्स्ड अशोर्ड प्राइस का काम करती है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि MSP की जरूरत कब से पड़नी शुरू हुई, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 1950 और 1960 के दशक में किसान परेशान थे, क्योंकि अगर किसी फसल का बंपर उत्पादन होता था तो उन्हें उनकी अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे, लागत तक नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट एक बड़ा संकट बनकर उभरा था, सरकार का कंट्रोल नहीं था। ऐसे में 1964 में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई। कमेटी के सुझावों पर 1965 में दो संस्थाएं बनाई गई। इन दोनों संस्थाओं का काम था देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना। FCI वो एजेंसी है जो MSP पर अनाज खरीदती है, फिर उसे गोदामों में स्टोर करती है। तो सवाल ये है कि MSP से क्या किसानों को फायदा होता है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल इस साल सितंबर के शुरू में रबी सीजन में गेहूं पर MSP का लाभ लेने वाले 43 लाख से ज्यादा किसान थे। ये पिछले साल के 35 लाख से करीबन 22% ज्यादा थे। रबी सीजन में सरकार को गेहूं बेचने वाले किसानों में मध्य प्रदेश के किसान सबसे आगे रहे हैं, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान रहे हैं। यही नहीं, पंजाब और हरियाणा में कृषि बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, पर मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार खत्म कर रही है? तो इसका जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ट्वीट करके बताना पड़ा कि MSP खत्म नहीं हो रही, बल्कि किसानों के लिए मार्केट बड़ा हो रहा है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ट्वीट कर किसानों को फिर से यही बात बताई। नए कानून से किसानों को फायदा मिलेगा, उन्हें खुले बाजार में अपनी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा, इससे प्रतिस्पर्धा कम बढ़ेगी और किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। जब किसानों को दो प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो जहां ज्यादा दाम मिलेगा वो उसी को चुनेगा। इसी के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि बिल ओपन ट्रेड को खोल रहा है, इस बिल का MSP से कोई लेना देना नहीं है, MSP एक्ट का हिस्सा है ही नहीं, ये किसानों के हित में है और हमेशा रहने वाला है।